पे आधा इंच एक पॉइंट का मार्क लगाएं, ये जॉइंट यहाँ पर रखेंगे, ये हाथ के सुई से लगेगी आस्तीन। ये पल्ला इस तरह रखेंगे, यहाँ पे लोम देंगे। डेढ़ इंच यहाँ और डेढ़ इंच यहाँ, यहाँ से लोम थोड़ा थोड़ा देंगे। इसको ऐसे पलटी करके देख लेंगे, इस तरह ये सामना इस तरह आएगा, इस तरह पलटी करके देख लेंगे। अब ये पल्ला को ऐसे रखेंगे, अब इस तरह पलट देंगे। इस तरह लम देते हुए चले जाएंगे। पलट कर देखेंगे कि आस्तीन मेरा सही लगा कि नहीं। ऐसे खड़ा करके देखेंगे, ये आस्तीन बिल्कुल स्ट्रेट गिरना, ये पैकेट के सीधा यहाँ से दम सीधा होना। ये देखिए, ये आस्तीन यहाँ से सीधा होना, यहाँ तक ये ना आस्तीन ऐसे हो ना ना ऐसे हो, बिल्कुल सीधा हो। देखिए बिल्कुल सीधा गिरी है। अभी इसको मशीन से सिलाई मार लेंगे। यहाँ पे अच्छे से पकड़ लेंगे, यहाँ पे प्लेट की जरा भी ना है। ये रिंकल को इस तरह करके मिलाना पड़ता है।
वी पैड लगाएंगे। वी पैड तो ज़्यादा घट है, इसमें से कुछ फॉर्म निकालेंगे। सबसे पहले इसको मार्क लगाएंगे बेस सेंटर में। अभी अब ये जॉइंट यहाँ पे रखेंगे, ऐसे रख के ये पूरा हमको पैड नहीं पकड़ना है, यहीं से सिलाई मारेंगे। ऐसे पलट करके देख लेंगे कि हमारा पैड अच्छा बैठा है या नहीं। ये देखिए अच्छा बैठा। अब ये थोड़ा रिंकल है, ये प्रेस मारने के बाद रिंकल चला जाता। ये आस्तीन का आस्तीन, इसको ये दोनों को ऐसे पकड़ लेंगे, इसको भी अंदर से सिलाई मारेंगे और ये कॉलर के पास से ऐसे लेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे, इस तरह पलटी मार देंगे। यहाँ पे हाथ का सुई से टाका जाएगा थोड़ा दूर तक, यहाँ तक, फिर यहाँ पे हाथ। दूसरी वीडियो में कलर लगाना बताऊँगा। आज के लिए बस इतना ही।